यहाँ पे सबसे पहले एक मैंने एग लिया है और मैं एग का दोनों भी पार्ट डालूंगी, येलो वाइट दोनों पार्ट में यूज़ करूंगी हेयर पैक के लिए। और यहाँ पे मैंने फ्रेश योगर्ट यूज़ किया है, फ्रेश ही यूज़ करेगा फ्रेंड्स, खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, बहुत अच्छा हेयर मास्क है ये, ट्रस्ट मी। और इसको अच्छे से ब्लेंड और मिक्स करने के बाद कुछ ऐसा इसका मिक्सचर बनेगा। और बालों को अच्छे से टेंगल फ्री कर लीजिएगा, बाल बिल्कुल भी उलझे हुए ना हो, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा हेयर मास्क यूज़ करने से पहले। उसके बाद में हम लोगों को बहुत केयरफुली लगाना है। आई नो एग की स्मेल थोड़ी सी वैसी स्मेल आएगी, बट इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आपको पूरे स्कैल्प में अच्छे तरीके से पूरे बालों में लगा लेना है, रूट्स में। इसका ये बेनिफिट है फ्रेंड्स, आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, आपके बाल स्ट्रॉन्ग होंगे, थिक होंगे, और इतना अच्छा शाइन और इतने अच्छे बाल सॉफ्ट लगेंगे ना, आप लास्ट में रिज़ल्ट देखेगा। सिर्फ मैंने 1 टाइम इसको यूज़ किया है और रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसको मैं अपने हॉस्टल टाइम से मैं यूज़ करते आ रही हूँ। ये मेरा फेवरेट हेयर मास्क है, बहुत ही ईजी सा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छे से मैंने इसके अपने बालों के एंड तक में मैंने सब यूज़ किया है, इसको अच्छे से मैंने क्लिप लगा के पूरा पैक कर लिया है। जब तक मेरा हेयर मास्क ड्राई हो रहा है तब तक मैं अपने फेस पे भी पैक लगा लूँ। आप देख रहे हो मेरे पिंपल हो गए हैं और बहुत स्किन भी ये पार्ट में बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है, तो मैं एक फेस पैक लगा रही हूँ, मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर एंड गुलाब जल। तो बहुत ही सिंपल सा फेस पैक है ये, और ये बेस्ट है एक्ने या पिंपल्स के लिए। तो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये अच्छे से जो फेस पे ऑयल होता है ये उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, जो एक्सेसिव ऑयल होता है हम लोगों की स्किन में ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होते हैं उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी होती है ऑयली स्किन के लिए, बट आपको ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना, अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो स्किन ड्राई हो जाएगी, तो इसलिए मैं स्पेशली मैं पिंपल की वजह से मैं इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला पैक। फेस पैक के बाद में मैं यूज़ करी हूँ लोटस का स्क्रब, फेस स्क्रब। ये वन ऑफ द बेस्ट 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 फेस स्क्रब है, इससे बेस्ट फेस स्क्रब कोई हो नहीं सकता। बहुत ही अच्छा है ये वाला फेस स्क्रब, मैं इसकी ऐसे ही तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, आप लोग इसको ज़रूर 1 टाइम यूज़ करिएगा। बहुत ही सॉफ्ट है एंड इतना स्किन पे सॉफ्ट से एब्जॉर्ब हो रहा था, और इसका रिज़ल्ट ऑसम रिज़ल्ट है, ट्रस्ट मी। ये वाला जो फेस स्क्रब है मैं अपनी नायका हॉल में मैंने बताया है, पूरा इसकी रिव्यू दिया है, ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, तो इसको प्लीज़ एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरे वीडियो को, इसको ज़रूर परचेज़ करिएगा, बहुत अच्छा फेस स्क्रब है। तो फ्रेंड्स अच्छे से मैं इसको स्क्रब कर रही हूँ। ये जो पूरा प्रोसीजर मैंने इस वीडियो में दिखाया है इसको आप मंथ में 1 या 2 बार भी करोगे तो आप रिज़ल्ट देखोगे, आपको इतना आपकी स्किन में चेंज आएगा, एक आपकी हेल्दी ग्लोइंग स्किन होगी ये सब यूज़ करने के बाद में। तो नॉर्मली जैसे स्क्रब करते वैसे मैं स्क्रब कर रही हूँ, अच्छे से मैंने 10 to 5 मिनट स्क्रब किया था एंड देख रहे हो ग्लो मेरे स्किन पे पूरा। आप ऐसे स्टेप्स करिएगा तो रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। इसके बाद में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ नायका का क्ले कूल एंटी एक्ने फेस पैक, एंड ये भी बहुत अच्छा सा फेस पैक है। मेरे पिंपल्स एक्ने होते हैं तो इस वजह से मैंने ये वाला परचेज किया। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आपको नायका पे आराम से मिल जाएगा, आपको जो पसंद हो आप वो वैरायटी ले सकते हो इसमें। तो बहुत ही अच्छा सा ये फेस पैक है, एक कूलिंग सेंसेशन होता है अप्लाई करने के बाद में, एंड जो क्ले मास्क होते हैं वो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होते हैं। और अच्छे से मतलब ये 10 to 15 मिनट्स में ये ड्राई हो जाता है। लोटस का भी क्ले मास्क यूज़ किया है, ये भी बहुत अच्छा है, तो आपको जो आपकी स्किन पे सूट करे वो यूज़ कर सकते हो। और अच्छे से मैंने पिंपल्स की वजह से मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, एंड इसका रिज़ल्ट भी मुझे लगा कि एक्चुअल में ये एक्ने या पिंपल को ये हील करता है, तो ये बहुत ही अच्छा सा है पैक। उसके बाद में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, जब तक ये ड्राई होगा तब तक मैं यहाँ पे लिप पे भी स्क्रब कर रही थी। तो मैंने पूरा अपना बर्थडे रूटीन जो है वो मैंने शेयर किया है, स्किन केयर, हेयर मास्क, लिप,
सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। फ्रेंड्स, आप लोग भी कोई स्पेशल ओकेजन पे या जब आपका मंथ में एक या दो बार या वीक में वन बार आप ये सब अप्लाई करोगे तो आप देखोगे आपकी स्किन में कितने चेंजेस आए हैं। लिप्स बहुत ज़्यादा मेरे ड्राई हो रहे थे, थोड़े से ब्लैक भी हो रहे थे, इस वजह से मैं ये स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। और क्या मैंने कैसे इसको बनाया है तो उसके लिए मैं पूरा आपको बताती हूँ। तो लिप स्क्रब को बनाने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून शुगर लिया है और फ्यू ड्रॉप्स लेमन की, और 1/2 टेबल स्पून मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। बेस्ट स्क्रब है ये लिप स्क्रब, ट्रस्ट मी। एंड आफ्टर बाथ आप मेरी स्किन देख रहे हो, उसके बाद में मैं अपना नॉर्मल स्किन केयर कर रही थी। मैंने यहाँ पे कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर यूज़ किया है, सॉरी टोनर, उस अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में मैं नॉर्मल अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ करी हूँ, ये डॉट एंड की का है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। एंड उसके बाद में मैंने यहाँ पे सीरम यूज़ किया है प्लम का। एंड यहाँ पे मैं लास्ट में यूज़ कर रही हूँ लिप बाम, ये भी प्लम का है। इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ है, आपको जो पसंद है वो उस पर परचेज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, आफ्टर वॉश आप देख रहे होगे कितना अच्छा शाइन आया है मेरे बालों में, एंड मेरी स्किन सुपर डुपर सॉफ्ट हो गई है। कोई भी मेकअप नहीं लगाया है, कुछ भी मेकअप नहीं है, आप देखो कोई भी मेकअप नहीं है मेरे स्किन पे, जो पिंपल है इंशाल्लाह चला जाएगा ये। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा बर्थडे स्पेशल रूटीन पसंद आया होगा। आप लोग भी फ्रेंड्स इस तरीके से कुछ स्पेशल ओकेजन पे या नॉर्मल मंथ में एक या दो बार आप ऐसे कर सकते हो तो आपको अंदर से एक अच्छा फील होगा और आपकी जो स्किन है वो भी एक हेल्दी ग्लो स्किन बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक है आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। और मेरे पुराने वीडियोज़ को भी डेफिनेटली आप लोग जरूर चेकआउट करिए। ओके, बाय बाय, टेक।